हाँ विंस, सुधीर है। तो यार ये है मेरा सोनी A7 III कैमरा और ये है मेरा लैपटॉप। तो आप कहोगे यार ठीक है, मतलब इसमें बताने नहीं क्या चीज है। इट्स जस्ट दैट यार इस कैमरे के अंदर सब कुछ बढ़िया है, ऑल गुड। ओनली थिंग इज जो इसकी जो पीछे की स्क्रीन है वो पीछे ही रहती है, आगे फ्लिप नहीं होती। जो A7 IV है, जो नए कैमरे हैं उनमें आजकल क्या है कि स्क्रीन आगे फ्लिप हो जाती है। तो आगे फ्लिप होने का फायदा क्या रहता है, आप देख पाते हो कि क्या रिकॉर्ड हो रहा है, क्या फ्रेम में आ रहा है, जो चीज आप दिखा रहे हो फोकस में आ रही है कि नहीं आ रही है ना। तो मैं बड़ा स्ट्रगल कर रहा था इससे यार, मुझे बड़ा इशू आ रहा था क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो पता चलता था कभी कुछ आउट ऑफ फोकस ही आ गया है ना, कुछ रिकॉर्डिंग से नहीं हो रहा है और कहीं पे फ्रेम ही खराब आ रहा है। तो उसका एक वर्क अराउंड बड़ा अच्छा है और बड़ा सिंपल है। उसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए यार, टाइप सी केबल है ना। और टाइप सी क्या, अब अगर माइक्रो यूएसबी केबल है वो भी चलेगी है ना। तो कैसे कनेक्ट करना है, 2-3 सेटिंग्स में आपको बताया था, इट्स वेरी इजी। पहली बात तो अपने पीसी पे ये सोनी इमेजिंग एज डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर है, ये वाला सॉफ्टवेयर ये आप इंस्टॉल कर लीजिए। ये फ्री सॉफ्टवेयर है, सोनी की वेबसाइट मिल जाएगा, सोनी इमेजिंग एज डन। सेकेंड थिंग, अब मैं आता हूँ अपने कैमरे में, क्या आपको सेटिंग रखनी है जिसको आपने टॉगल करना है। कैमरा आपने ऑन किया, ये गए हम मेन्यू पे। मेन्यू के अंदर यार ये सेटिंग्स के अंदर जो ब्रीफकेस बना हुआ है यहाँ जाना है, और इसमें हमने जाना है यूएसबी कनेक्शन के अंदर, ठीक है जी। यूएसबी कनेक्शन के अंदर आपको जो पीसी रिमोट है ना, अगर हमने रिमोट पीसी पे कनेक्शन लेके आना है, पीसी पे डिस्प्ले लेके आना है, तो पीसी रिमोट पे रखना है। और अगर आप डेटा कॉपी करना चाहते हो तो मास स्टोरेज पे रखना है या ऑटो पे रखना है, जैसा भी रखोगे है ना। तो हमने मेन चीज पीसी रिमोट पे रखना है, डन। और मेरे ख्याल एक सेटिंग और है इसकी, कंट्रोल वाया स्मार्टफोन। हाँ, ये चीज़ आपकी ना ऑफ होनी चाहिए, कंट्रोल स्मार्टफोन आपका ऑफ होना चाहिए। अगर ऑन रहेगा तो कनेक्ट नहीं होगा, वो दिखा देगा। अगर देखो मैं इसको ऑन करता हूँ और फिर मैं उसी मेन्यू पे जाता हूँ, ब्रीफ केस वाले मेन्यू पे है ना। मैं गया ब्रीफ केस वाले मेन्यू पे एंड यहाँ पर यूएसबी कनेक्शन, देखिए ये हाईलाइट ही नहीं हो रहा, क्या बोल रहा है, क्योंकि कंट्रोल वाया स्मार्टफोन इज ऑन। बस ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है यार, मतलब शुरुआत में आपको लगेगा यार कंफ्यूजिंग सा है, बट बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं है। कंट्रोल वाया स्मार्टफोन आपको कर देना है ऑफ, और अगर आपने ऑन भी रहा होगा तो आपको बताएगा वहां पर कि भाई आपका कंट्रोल विद स्मार्टफोन ऑन है, ये कंडीशन में नहीं चलेगा। तो यहाँ आए, यहाँ आपको मैंने बता ही दिया था, अगेन एक बार चेक कर लेते हैं, यूएसबी कनेक्शन, पीसी रिमोट, डन। ये हमारी सेटिंग हो गई है, ओके। अब कुछ नहीं करना है यार, यहाँ पे इसके हमारे ये दोनों पोर्ट है ना, एक यूएसबी टाइप सी है, एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट है। आपको टाइप सी केबल है तो टाइप सी में लगाएंगे, ये लगा दी, डन, ये यहाँ लगा दी। और जो दूसरा केबल है हमारा वो हमने यहाँ लगा देना है। जैसे ही लगाओगे यहाँ पे कैमरा आपका डायरेक्ट हो गया ICLE 7 Mark III, एंड यहाँ पर भी क्या कह रहा है, कनेक्टिंग दिखा रहा है आपको, कनेक्टिंग। अब कुछ नहीं करना आपको, अपने लैपटॉप पे ये जो इमेजिंग एज डेस्कटॉप है इसको लॉन्च करना है, स्टार्ट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे ये आ गया, इसको सेलेक्ट करना है एंड इसको डबल क्लिक कर देना है, डबल क्लिक कर दिया एंड देन इट विल लॉन्च। ये आपका यहाँ पे ये रहा, और ये आप देख सकते हो ये आपका वीडियो आपको नजर आने लग गया, एंड मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो दिस इज इट गाइस, तो जो भी आपका कैमरा देखेगा, ये मेरा सेटअप लगा हुआ है ना, तो ये दिखा रहा है आपको, एंड मैं आ रहा हूँ नजर, तो ये मैं नजर आ रहा हूँ आपको है ना। तो ये कहानी है। तो ऐसे आप अपने फोन को, अपने DSLR को इस पे कनेक्ट कर सकते हो, इट्स वेरी सिंपल है ना। एक बार जब ये कनेक्ट हो गया तो यार आप देखो इससे सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो। आप अगर रिमोट ये रिकॉर्डिंग पे रिकॉर्डिंग करना चाहो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, ये शूटिंग का मेन्यू है, इस पे मैं यहीं से ये रिकॉर्ड दबा सकता हूँ है ना। ये अभी शूटिंग चालू हो गई है, ये हाईलाइट हो गया है ना, ये शूटिंग आपने क्लोज भी कर दी। अब ये वाला मोड हाईलाइटेड नहीं है क्योंकि मैंने कैमरे के अंदर जो मोड है वो मैंने कैमरे के अंदर मोड फोटो मोड नहीं कर रखा। ओके, मैंने कैमरे के अंदर मैनुअल मोड कर लिया, तो आप देख सकते हो यार ये क्लिक की आवाज आई है ना ये, और आप ये पिक्चर्स इस पे भी देख सकते हो, ये आपको यहाँ पिक्चर्स नजर आ जाएंगी। ये पिक्चर सेलेक्ट हो गई, ये जो मैंने पिक्चर खरीदी है खींची है ये आ गई, अभी मैंने ये खींची है पिक्चर है ना, ये पिक्चर अच्छी आई है, ठीक है, यू कैन सी द डिटेल्स। तो ये मैं करता हूँ मिनिमाइज,
और ये आप यहाँ पे पूरी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ये जो शटर स्पीड है आप कम ज़्यादा कर सकते हो, ये फोकस f2.8, ये अपर्चर है आपका f2.8 से नीचे नहीं जाएगा, f3.2, f2.8, ये अपर्चर आपका कम हो रहा है। एक्सपोजर आप चेंज कर सकते हो, ये देखिए ये पिक्चर ब्राइट हो जाएगी आपकी, है ना। तो ये सब ISO आप चेंज कर सकते हो, है ना, ये सब आप JPEG क्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो कुछ भी लिखी हुई है इस पे आप ये सब चेंज कर सकते हो, ठीक है जी। तो और ये बता रहा है आपका सेव इन, ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो यही यार, यही बताने के लिए मैं एक छोटा सा वीडियो बनाया कि आप रिमोट शूटिंग कर सकते हो एंड बहुत आसान है और आपको हेल्प मिलेगी यार। यूट्यूब के वीडियोस वगैरह बनाते हो तो इट विल हेल्प। मैं आजकल जो यूट्यूब पे वीडियोस बनाने लगा हूँ, ऐसे ही बना रहा हूँ, इसको कनेक्ट करता हूँ अपने लैपटॉप से, बड़ा बड़ा देखता हूँ एंड इट लुक्स फाइन टू मी। एक चीज और, जो सोनी का इमेजिंग एज डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है उसको आप अपडेटेड रखिए, अपने कैमरे का फॉर्मवेयर अपडेटेड रखिए, और अगर हाँ आपको अपना कैमरे का फॉर्मवेयर अपडेट करना नहीं आता तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा। इट्स वेरी इजी, 5 मिनट का काम है। तो ठीक है यार, आपको अगर वीडियो सही लगा हो तो एकदम सब्सक्राइब मार देना, बेल और आइकन वाइकन सब दबा देना, क्योंकि मैं अभी आपको 2 वीडियोस और बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि इस कैमरे को अपने मोबाइल फोन से कैसे कनेक्ट करें वाया केबल और वाया वायर, ठीक है जी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव फन।